ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली 30 अगस्त 2020, जो रिवाइज हो रही है 13 मार्च 1986 की मुरली। सहज परिवर्तन का आधार, सहज परिवर्तन का आधार अनुभव की अथॉरिटी। कितना हम अनुभवी बने हैं। बाप दादा अपने सर्व आधार मूरत और उद्धार मूरत बच्चों को देख रहे हैं। आधार मुहूर्त और उद्धार मुहूर्त जो सारे कल्प का आधार है और सर्व का उद्धार करने वाली आत्माएं, पूर्वज आत्माएं और उद्धार करने वाली आत्माएं। हर एक बच्चा आज विश्व को श्रेष्ठ संपन्न बनाने के आधार मुहूर्त है। हर एक बच्चा श्रेष्ठ संपन्न बनाने के आधार मुहूर्त है, बनाने वाले हैं, बेस है, नींव है। आज विश्व अपने आधार मुहूर्त श्रेष्ठ आत्माओं को भिन्न भिन्न रूप से, भिन्न भिन्न विधि से पुकार रहा है, भिन्न भिन्न रूप से, भिन्न भिन्न विधि से पुकार रहा है, याद कर रहा है। तो ऐसे सेव सर्व दुखी अशांत आत्माओं को सहारा देने वाले, अंजलि देने वाले, सुख शांति का रास्ता बताने वाले ज्ञान नेत्रहीन को दिव्य नेत्र देने वाले, भटकती हुई आत्माओं को ठिकाना देने वाले, अप्राप्त आत्माओं को प्राप्ति की अनुभूति कराने वाले, उद्धार करने वाले आप श्रेष्ठ आत्माएं हो। सबका उद्धार करने वाले आप श्रेष्ठ आत्माएं हो। विश्व के चारों ओर किसी न किसी प्रकार की हलचल है, किसी न किसी प्रकार की हलचल है। कहाँ धन के कारण हलचल है, कहाँ मन के अनेक टेंशन की हलचल है, कहाँ अपने जीवन से असंतुष्ट होने के कारण हलचल है, कहाँ प्रकृति के तमो प्रधान वायुमंडल के कारण हलचल है। चारों ओर हलचल की दुनिया है, चारों ओर हलचल की दुनिया है। कैसी कैसी हलचल है, विश्व के चारों ओर किसी न किसी प्रकार की हलचल है। पहली हलचल है कहाँ धन के कारण हलचल, एक। दूसरी है कहाँ मन के अनेक टेंशन की हलचल, कहाँ अपने जीवन से असंतुष्ट होने के कारण हलचल है।
कहाँ प्रकृति के तमो प्रधान वायुमंडल के कारण हलचल है। चार प्रकार की हलचल बाबा ने, चारों ओर हलचल की दुनिया है। ऐसे समय पर विश्व के कोने में आप अचल अडोल आत्माएं, एक तो अचल हो और अडोल आत्माएं हो, दुनिया भय के वश है और आप निर्भय बन सदा खुशी में नाचते गाते रहते हो। अगर दुनिया अल्पकाल की के लिए खुशी के साधन नाचना गाना व और भी अनेक साधन अपनाती है, तो वो अनेक साधन अपनाती है तो वे अल्पकाल के साधन और ही चिंता की चिता पर ले जा रहे। ऐसी विश्व की आत्माओं को अभी श्रेष्ठ अविनाशी प्राप्तियों की अनुभूति का आधार चाहिए। सबको अनुभव कर लिया और सभी के मन का यही आवाज ना चाहते भी निकलता है कि इससे कुछ और चाहिए। ये साधन, ये विधियां सिद्धि की अनुभूति कराने वाली नहीं है, सिद्धि की अनुभूतियां कराने वाली नहीं है। कुछ नया चाहिए, कुछ और चाहिए, मन का आवाज है। जो भी सहारे अल्पकाल के बने हैं, ये सभी तिनके समान सहारे हैं, तिनके की तरह सहारे हैं। वास्तव में सहारा ढूंढ रहे हैं अल्पकाल के आधार से, अल्पकाल की प्राप्तियों से, विधियों से। अभी देख देख थक गए हैं। अभी ऐसी आत्माओं को यथार्थ सहारा, वास्तविक सहारा, अविनाशी सहारा बताने वाले कौन बाबा पूछ रहे हैं। आप सभी हो ना। दुनिया के अंतर में आप सभी अल्प थोड़े हो, बहुत थोड़े हो, लेकिन कल्प पहले के यादगार में भी अक्षौणी के सामने पांच पांडव ही दिखाए हैं। एक तरफ अक्षौणी सेना और एक तरफ पांच पांडव ही दिखाए। सबसे बड़े से बड़ी अथॉरिटी आपके साथ है। उन्होंने पांडवों के साथ कृष्ण को दिखाया। यहां बाबा कहते, बच्चे सच्चे सच्चे पांडव तुम हो और तुम्हारे साथ है हाईएस्ट अथॉरिटी, बड़ी से बड़ी अथॉरिटी शिव बाबा आपके साथ है। साइंस की अथॉरिटी, शास्त्रों की अथॉरिटी, राजनीति की अथॉरिटी, धर्म की अथॉरिटी, अनेक अथॉरिटी वाले
अपनी अपनी अथॉरिटी प्रमाण दुनिया को परिवर्तन करने की ट्रायल कर चुके हैं। कितने प्रयत्न किए हैं, लेकिन आप सभी के पास कौन सी अथॉरिटी है? सबसे बड़ी परमात्म अथॉरिटी, परमात्मा को भी अनुभव करने की अथॉरिटी, क्योंकि इस दुनिया में आप ही हैं जिन्होंने परम पिता परम आत्मा को अनुभव किया है, बाकी तो किसी ने अनुभव ही नहीं किया। अनुभव की अथॉरिटी से श्रेष्ठ, अनुभव की अथॉरिटी से श्रेष्ठ और सहज किसी को भी परिवर्तन कर सकते हो, किसी को भी क्या कर सकते हो, सहज परिवर्तन कर सकते हो। निश्चित भाव से कहते हैं और कहेंगे कि सहज सस्ता यथार्थ रास्ता एक ही है। निश्चित भाव से क्या कहते हैं और कहेंगे कि सहज रास्ता यथार्थ रास्ता एक ही है, एक द्वारा ही प्राप्त होता है और सर्व को एक बनाता है, यही सभी को संदेश देते हो ना, यही सभी को संदेश देते हो ना, इसलिए बाप दादा आज आधार मुहूर्त विश्व उद्धार मुहूर्त बच्चों को देख रहे, जो सारे विश्व का आधार हैं, सारे विश्व का उद्धार करने वाले। देखो बाप दादा के साथ निमित्त कौन बने हैं, विश्व के आधार, लेकिन बने कौन हैं, साधारण, जो दुनिया के लोगों की नजरों में है वो बाप की नजरों में नहीं है। और जो बाप की नजरों में है वो दुनिया वालों की नजरों में नहीं है। क्या वंडरफुल बात है, जो दुनिया की नजरों में है वो बाप की नजरों में नहीं है, और जो बाप की नजरों में है वो दुनिया वालों की नजरों में नहीं है। क्या क्या बाबा ढूंढ ढूंढ के लाए। आपको देखकर पहले तो मुस्कुराएंगे कि ये है, लेकिन जो दुनिया वाले करते वो बाप नहीं करते, और जो बाप करते हैं वो दुनिया में कोई नहीं कर सकता। उन्हों को नामी ग्रामी चाहिए और बाप को जिनका नामो निशान खत्म कर दिया उनका ही नाम बाला करना, असंभव को संभव करना है, साधारण को महान बनाना, निर्बल को महान बनाना, बलवान बनाना, दुनिया के हिसाब से जो अनपढ़ हैं उन्हों को ही नॉलेज फुल बनाना,
अपनों को ही नॉलेजफुल बनाना है, यही बाप का पार्ट है। इसलिए इसलिए बाप दादा बच्चों की सभा को देख करके मुस्कुराते भी हैं कि सबसे श्रेष्ठ भाग्य प्राप्त करने वाले यही सिक्की लदे बच्चे निमित्त बन गए, निमित्त बन गए। अब दुनिया वालों की भी नजर धीरे धीरे और सब तरफ से हटकर एक तरफ आ रही है। अभी समझते हैं कि जो हम नहीं कर सके, जो हम नहीं कर सके वो बाप गुप्त रूप में करा रहे हैं। अभी कुंभ मेले में क्या देखा, यही देखा ना कि सभी कैसे स्नेह की नजर से देखते हैं। ये धीरे धीरे प्रत्यक्ष होना ही है। धर्म नेता, राजनेता और वैज्ञानिक, धर्म नेता, राजनेता और वैज्ञानिक, ये विशेष तीनों अथॉरिटी है। अब तीनों ही साधारण रूप में परमात्म झलक देखने की श्रेष्ठ आशा से समीप आ रहे हैं। अभी भी घूंघट के अंदर से देख रहे हैं, घूंघट नहीं खोला है, घूंघट के अंदर से देखने के कारण अभी द्विधा में है। द्विधा का घूंघट है यही है या और कोई है, लेकिन फिर भी नजर गई है। अभी घूंघट भी मिट जाएगा, अनेक प्रकार के घूंघट हैं, एक अपने नेतापन का, गद्दी का या कुर्सी का घूंघट भी तो बहुत बड़ा है। कौन कौन से घूंघट हैं, अनेक प्रकार के घूंघट हैं। एक है अपने नेतापन का घूंघट कि हम नेता हैं, कैसे ब्रह्मा कुमारी में जाएं, हम जिस कुर्सी पर बैठे हैं, गद्दी पर बैठे हैं, कैसे ब्रह्मा कुमारी में जाएं, सारी मेरी इज्जत खत्म हो जाएगी, तो बहुत बड़ा है। उसी घूंघट से निकलना, इसमें थोड़ा सा अभी टाइम लगेगा, क्योंकि धर्म नेता किसी भी धर्म का ठेकेदार इधर आ जाए तो उसके कहेंगे दूसरे को गुरु बनाओ, ये गुरु बनने लायक नहीं है, ये तो ब्रह्मा कुमारी इसका हो गया। टाइम लगेगा, लेकिन आंखें खोली है ना, कुंभकर्ण अभी थोड़ा जगा है, कुंभकर्ण अभी थोड़ा जगा है, पूरी तरह नहीं जगा, थोड़ा जगा है। बाप दादा की सर्वश्रेष्ठ सर्व आत्माओं अर्थात बच्चों को
बाप दादा का वर्षा प्राप्त कराने के अधिकारी जरूर बनाएंगे। सबको बनाना है ना, चाहे कैसे भी हैं लेकिन हैं तो बच्चे ही हैं, तो बच्चे ही। तो बच्चों को चाहे मुश्किल, चाहे जीवन मुक्ति, चाहे उनको मुक्ति दिलाओ, तो चाहे जीवन मुक्ति दोनों ही वर्षे, हर आत्मा को दोनों वर्षे देने हैं, मुक्ति भी और जीवन मुक्ति भी। वर्षा देने के लिए ही बाप आए हैं। अनजान है ना, उनों को का अभी दोष नहीं है, उनों का भी दोष नहीं है, इसलिए आप सभी को भी रहम आता है ना, रहम भी आता है, उमंग भी आता है कि कैसे भी वर्षे का अधिकार सर्वात्माएं ले ले, सारी आत्माएं ले ही ले। अच्छा, आज करेबियन का टर्न है, हैं तो सभी बाप दादा के अति लाडले, हर एक स्थान की अपनी अपनी विशेषता, बाप दादा के आगे सदा प्रत्यक्ष रहती है। वैसे तो बाप दादा के पास हर बच्चे का पूरा पूरा पोता मेल रहता ही है, पूरा पूरा पोता मेल रहता ही है, लेकिन बाप दादा को सभी बच्चों को देख खुशी है। किस बात की? कि सभी बच्चे अपनी अपनी शक्ति प्रमाण सेवा के उमंग में खुशी खुशी है। सभी बच्चे अपनी शक्ति प्रमाण सेवा के उमंग में सदा रहते हैं। सेवा ब्राह्मण जीवन का विशेष ऑक्यूपेशन बन गया है, सेवा ब्राह्मण जीवन का विशेष ऑक्यूपेशन बन गया है। सेवा के बिना ये ब्राह्मण जीवन खाली सी लगती है। सेवा नहीं हो तो जैसे फ्री फ्री है, तो सेवा में बिजी रहने का उमंग देख बाप दादा विशेष खुश होते हैं। करेबियन की विशेषता क्या है? सदा करीब अर्थात नजदीक रहने वाले। बाप दादा स्थूल को नहीं देखते, वे तो शरीर से कितना भी दूर हो लेकिन मन से करीब हो ना। जितना शरीर से दूर रहते हैं उतना ही विशेष बाप के साथ का अनुभव करने की लिफ्ट मिलती है, क्योंकि बाप की सदा ही चारों ओर के बच्चों की तरफ नजर रहती है, नजर में समाये हुए रहते हैं। तो नजर में समाये हुए क्या होंगे? दूर होंगे या नजदीक होंगे? तो सब कौन हो? नजदीक रत्न हो। कोई भी दूर नहीं है, नियर और डियर दोनों ही हैं।
अगर नियर नहीं होते तो उमंग उत्साह आ नहीं सकता। सदा बाप का साथ शक्तिशाली बनाए आगे बढ़ा रहा है। बाप का जो साथ है वो आपको शक्तिशाली बनाकर आगे बढ़ा रहा है। आप सभी को देख सब खुश हो रहे हैं कि कितनी हिम्मत रख सेवा की वृद्धि को प्राप्त कर रहे हैं, कितनी हिम्मत रख सेवा की वृद्धि को प्राप्त कर रहे हैं। बाप दादा जानते हैं कि सभी का एक ही संकल्प है कि सबसे बड़े से बड़ी माला हमें तैयार करनी है, सबसे बड़े से बड़ी माला हमने तैयार करनी है। और जो भी जहाँ भी माला के मण के बिखरे हुए हैं उन मणकों को इकट्ठा कर माला बनाए बाप के सामने ले आते हैं। पूरा ही साल, क्योंकि एक साल बाद आते हैं बाबा से मिलने के लिए। ये उमंग रहता है कि अभी ये गुलदस्ता या माला बाप के आगे ले जाएं, तो एक वर्ष पूरी तैयारी करते रहते हैं। इस वर्ष बाप दादा सभी विदेश के सेवा केंद्रों के वृद्धि की रिजल्ट अच्छी देख रहे हैं। हर एक ने कोई ना कोई, चाहे छोटा गुलदस्ता चाहे बड़ा गुलदस्ता, लेकिन प्रत्यक्ष फल के रूप में लाया है। तो बाप दादा भी अपने कल्प पहले वाले स्नेही बच्चों को देख खुश होते हैं। प्यार से मेहनत की है, प्यार की मेहनत मेहनत नहीं, प्यार की मेहनत मेहनत नहीं नहीं लगती है ना। तो हर एक तरफ से अच्छा ग्रुप आया है। बाप दादा को सबसे अच्छी बात यही लगती है कि सदा ही सेवा में अथक बन आगे बढ़ रहे हैं, अथक थकते ही नहीं, और यही सेवा के सफलता की विशेषता है कि कभी भी दिल शिकस्त नहीं होना। आज थोड़े हैं कल ज्यादा होने ही हैं, ये निश्चित है। इसलिए जहां बाप का परिचय मिला है, बाप के बच्चे निमित्त बने हैं, वहाँ अवश्य बाप के बच्चे छिपे हुए हैं। जो समय प्रमाण अपना हक लेने के लिए पहुँच रहे हैं और पहुँचते रहेंगे, तो सभी खुशी में नाचने वाले हैं, सदा खुश रहने वाले हैं। अविनाशी बाप अविनाशी बच्चे हैं तो प्राप्ति भी अविनाशी है, प्राप्ति भी अविनाशी है, खुशी भी अविनाशी है। तो सदा खुश रहने वाले
सदा ही बेस्ट ते बेस्ट, अच्छे से अच्छे हैं। वेस्ट, बेस्ट के विपरीत वेस्ट, व्यर्थ, खत्म हो गया। तो बाकी बेस्ट अच्छा ही रहा। बाबा का बनना अर्थात सदा के लिए अविनाशी खजाने के अधिकारी बनना। तो अधिकारी जीवन बेस्ट जीवन है ना, अधिकारी जीवन बेस्ट जीवन है ना। करेबियन में सेवा का फाउंडेशन विशेष विशेष आत्माओं का रहा। गवर्नमेंट की सेवा का फाउंडेशन तो ज्ञाना में ही पड़ा ना, और गवर्नमेंट तक राजयोग की विशेषता का आवाज फैलाना ये भी विशेषता है। गवर्नमेंट भी 3 मिनट के लिए साइलेंस का प्रयत्न करती तो रही है ना। गवर्नमेंट के समीप आने का चांस यहाँ ही शुरू हुआ और रिजल्ट भी अच्छी निकली है और अभी भी निकल रही है। करेबियन ने सेवा में विशेष VIP भी तैयार किया है, जिस एक से अनेकों को से अनेकों की सेवा हो रही है, जिस एक से अनेकों की सेवा हो रही है। तो ये भी विशेषता है ना। निमंत्रण ही ऐसा विधि पूर्वक VIP रूप से मिला, ये भी फर्स्ट निमित्त तो करेबियन ही बना। आज चारों ओर एग्जाम्पल बन अनेकों को उमंग प्रेरणा देने की सेवा में लगे हुए, ये भी फल तो सभी को मिलेगा ना। अभी भी गवर्नमेंट के कनेक्शन में हैं, ये भी एक समीप कनेक्शन में आने की विधि है। इस विधि को और भी थोड़ा सा ज्ञान युक्त कनेक्शन में आते हुए न्यारेपन की सेवा का अनुभव करा सकते हो। किसी भी मीटिंग में जिस समय भी सेवा करने के निमित्त बनते हैं, चाहे लौकिक बातें हों, लेकिन लौकिक बातों में भी ऐसे ढंग से अपने बोल बोलें जिससे न्यारेपन की न्यारापन भी अनुभव हो और प्यारापन भी अनुभव हो। तो ये भी एक चांस है कि सभी के साथ होते हुए भी अपना न्यारा और प्यारापन दिखा सकते हैं। इसलिए इस विधि को और भी थोड़ा अटेंशन दे, सेवा का साधन श्रेष्ठ बना सकते हो, श्रेष्ठ बना सकते हो। ये भी ज्ञाना वालों को चांस मिला है, आदि से ही सेवा के चांस की लॉटरी मिली हुई है। सभी स्थान की वृद्धि अच्छी है। अभी और एक विशेषता करो, जो वहां के नामी ग्रामी पंडित हैं उनों में से तैयार करो। ट्रिनिडाद ज्ञाना में पंडित बहुत हैं, वे फिर भी नजदीक वाले हो गए।
भारत की ही फिलॉसफी को मानने वाले हैं ना, तो अभी पंडितों का ग्रुप तैयार करो। जैसे अभी हरिद्वार में साधुओं का संगठन तैयार हो रहा है, ऐसे फिर यहां से पंडितों का ग्रुप तैयार करो। स्नेह से उनको अपना बना सकते हो, पहले स्नेह से उनको समीप लाओ। हरिद्वार में भी स्नेह की ही रिजल्ट है, स्नेह मधुबन तक पहुंचा देता है। तो मधुबन तक आए तो नॉलेज तक भी आ जाएंगे, ज्ञान तक भी आ जाएंगे। कहाँ जाएंगे बाबा पूछ रहे, कहाँ जाएंगे? तो अभी यही करके दिखाओ। अच्छा, यूरोप क्या करेगा? संख्या से छोटे नहीं कहे जाते, संख्या क्या भी हो, क्वालिटी अच्छी है तो नंबर वन हो। जो किसी ने नहीं लाया है वो आप ला सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। हिम्मते बच्चे मद दे बाप, बच्चों की हिम्मत और सारे परिवार की, बाप दादा की मदद है। इसलिए कोई भी बड़ी बात नहीं, कोई भी बड़ी बात नहीं। जो चाहो वो करते, जो चाहो वो करते हो। आखिर तो सभी को आना तो एक ही ठिकाने पर है, किसको भी आना है, किसको अभी आना है, किसको थोड़ा पीछे आना है, आना तो है ही। कितने भी खुश हों, कितने भी खुश हों, चाहे वातावरण ठीक है इसलिए परेशान नहीं हुई, लेकिन फिर भी जब तक ज्ञान नहीं है तो विनाशी इच्छाएं कभी भी पूरी नहीं होती। एक इच्छा के बाद दूसरी इच्छा उत्पन्न होती रहती है, तो इच्छा भी सदा संतुष्टता का अनुभव नहीं कराती। तो जो दुखी नहीं है उनको ईश्वरीय निस्वार्थ स्नेह क्या है, उनको ईश्वरीय निस्वार्थ स्नेह क्या है, स्नेही जीवन क्या होती है, आत्म स्नेह परमात्म स्नेह का तो अनुभव ही नहीं। कितना भी स्नेह हो लेकिन निस्वार्थ स्नेह तो कहाँ है ही नहीं, सच्चा स्नेह तो है ही नहीं। तो सच्चा दिल का स्नेह, परिवार का स्नेह सबको चाहिए। ऐसा परिवार कहाँ मिल सकता है? तो जिस बात की अप्राप्ति की अनुभूति हो उसी प्राप्ति के आकर्षण से उन्हों को समझा। जिस चीज की उन्हों अप्राप्ति की अनुभूति होती है उसी प्राप्ति के आकर्षण से उन्हीं को समझाओ। अच्छा,
सभी विशेष आत्माएं हो, अगर विशेषता ना होती तो ब्राह्मण आत्मा नहीं बन सकते। विशेषता ने ही ब्राह्मण जीवन दिलाई है। सबसे बड़ी विशेषता तो यही है कि कोटों में कोई, कोई में कोई आप हो। तो हर एक की अपनी अपनी विशेषता है। सारा दिन बाप और सेवा, यही लगन रहती है ना। लौकिक कार्य तो निमित्त मात्र करना ही पड़ता है, लेकिन दिल में लगन याद और सेवा की रहे, याद और सेवा की रहे। अच्छा, आज का वरदान है सदा निज धाम और निज स्वरूप की स्मृति से उपराम न्यारे प्यारे भाव। सदा निज धाम अपने घर, निज स्वरूप और स्मृति से उपराम न्यारे और प्यारे भाव। निज स्वरूप की भी स्मृति से परे, सदा निज धाम और निज स्वरूप की स्मृति से भी परे, जो ये स्वरूप है, देह है, इस देह से भी न्यारे न्यारे और प्यारे। न्यारे और प्यारे माना सूक्ष्म वतनवासी और निज धाम की स्मृति में रहने वाले। निराकारी दुनिया और निराकारी रूप की स्मृति। मैं आत्मा और मुझ आत्मा का घर परम था। आत्मा विचित्र, घर विचित्र, बाप भी विचित्र, जिस चित्र को हम बना नहीं सकते। सदा न्यारा और प्यारा बना देती है। हम ही हम हैं ही निराकारी दुनिया के निवासी। यहाँ सेवा अर्थ अवतरित हुए हैं हम इस मृत्यु लोक के नहीं, लेकिन हम अवतार हैं। ये सिर्फ छोटी सी बात याद रहे तो उपराम हो जाएंगे। जो अवतार ना समझ गृहस्थी समझते हैं तो गृहस्थी की गाड़ी कीचड़ में फंसी रहती है। गृहस्थी है ही बोझ की स्थिति और अवतार बिल्कुल हल। गृहस्थी समझेंगे तो बोझ में दबे पड़े, अवतार समझेंगे तो बिल्कुल हल्के। अवतार समझने से अपना निज धाम परम धाम, निज स्वरूप मैं आत्मा याद रहेगा और उपराम हो जाएंगे, न्यारे और प्यारे हो जाएंगे। आज का स्लोगन है ब्राह्मण वे है जो शुद्धि और विधि पूर्वक हर कार्य करे। ओम शांति। ब्राह्मण वो है जो शुद्धि पवित्रता से और विधि पूर्वक हर कार्य करे। जैसे बाबा ने डायरेक्शन दिया है, श्रीमत दी है, उसी विधि से हर कार्य करें। ओम शांति।